पंजाबियों की देशभगती से कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक महीने की शक हो गया। इसका मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाल ही सिक्योरिटी से जिस दिन चले गए नाल ही सिक्योरिटी लैके, ये भी देखने वाली गल है कि देखांगे कि क्यों वो यह स्टेटमेंटा दे रहे हैं। मैं तो बहुत देर का पहले ही कहा कि हटा दो, पता नहीं कांग्रेस ने इन्नी देर क्यों ला दी। बीपी जी का भी हम देखांगे कि उन्हों का की ऑपरेशन से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेरे वालों भी लैटर गई है और सीएम साहब वालों भी दोनों वालों सारी लैटर गई ने कि जोड़ा स्टेट का इंटरनल मैटर्स ने कि जी सिक्योरिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट का सबजैक्ट है, जोड़ा बॉर्डर की आ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और उन्होंने करनी, जी फेंसिंग आते जी कंडेदार तार लगी है जो फर्स्ट डिफेंस लाइन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो पैरामिलिट्री फोर्सिज कर या आर्मी करे उन्होंने, वो तो अगे आके साडा जिहड़ा असी देखणे कि अपनी स्टेट दे विच असी किवें लॉ एंड ऑर्डर रखणा, कित्थे की करना। तुसीं कल ही देखिया होणा कल साडी तरन तारण खेमकरन दे कोल जिहड़े फड़े ने असी वैपनस, वो अक्रॉस द फेंसिंग खड़े ने ते तार तो अगली साइड तो जाके पंजाब पुलिस की इनपुट सी और PSF नूं नाल लैके तो उत्थे असी ये जिहड़ा जाके ऑपरेशन कीता। तो जे ये कहिए कि पंजाब दे विच पंजाब दी फोर्स जिहड़ी आ उन्हों डिमोरलाइज किया जाएगा, कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा, कभी वो असं नहीं होने देवे, क्योंकि पंजाब की फोर्स ने पंजाब के जवानों ने पंजाब की पुलिस ने जो टेररिज्म के टाइम काम किया वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। मैनू ये भी कहने से कोई नहीं हेजिटेशन नहीं हेजिटेट नहीं मैं करता कि J&K दे विच स्टेट तोड़ दी, UT बना दी, उत्थे लेफ्टिनेंट गवर्नर तक अपॉइंट कर दिता, डेमोक्रेसी खत्म कर दी गई, उसके बावजूद उत्थे टेररिज्म खत्म नहीं हो रहा, उत्थे BSF है, उत्थे सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज ने, उत्थे आर्मी भी लगी है। तो असी तो पंजाब दे विच आप ही हैगे सी कि असी साढ़े इन्नी का बैठे ने साढ़े जिहड़े जवान अज तुसीं देखे जिहड़े शहीद जिन्हां ते आए हैं 1700 तो उपर शहीद जिहड़े होए ने, तो उन्हें अपनी शहादत दिती है। तो अज उन्हां दी शहादत नूं इह कहांगे कि सानूं BSF करे कि देखो 50 किलोमीटर का मतलब साढ़ा 50,000 स्क्वेयर किलोमीटर एरिया, वो जो 50% जो बड़ी बड़ा पूरी कर लो, तो ये चीज़ है कि पंजाब दिया जिहड़ियां इन्हें जिहड़े शहीद होए शहादत दित्ती, तो उन्हूं आपां इह कहांगे कि असी अपनी सिक्योरिटी आप नहीं कर सकते, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। पंजाबियों ने हमेशा हिंदुस्तान की आज़ादी लिए सब तो ज्यादा जो कुर्बानियाँ हुई ने, ते जे सब तो बड़ी चीज़ मैं ये कहां कि 65 या 71 की वार पंजाबी ने यह कहा कि फौज ने कि तुम आप ने अपना खाना बनाना, असी पिंड जो तुहाडे कोल लै के दे ते लास्ट बंकर तक वह खाना जाके तैयार हों, तो उत्थे उन्होंने पहुँचाते रहे। मैं अज भी याद है 71 की वार जिहड़ा उन्होंने पुल जिहड़ा सी साढ़े उत्थे रावी ब्यास रावी पुल सीगा, तो उन्होंने डबल पुल कहिंदे ने, उपर दी ट्रेन सी ते नीचे दी जिहड़ी रोड दा जिहड़ा चलदा सी वो जदों कैप्चर किया, तो उस वेले जिहड़ा उत्थे नैशनल फ्लैग बनाया सी उत्थों दे इक साढ़े उन्होंने दुकान सी छोटी जी मैनू नाम भुल गया, वो जो अपनी मशीन लैन लैके लैन लिया आया तो उन्होंने तैयार करके तो वो उत्थे नैशनल फ्लैग लगा। तो ये जिहड़ियां चीज़ां जो असीं ये कहिए कि यार पंजाबियों की देशभगती चुकी अगर तो ये कभी बर्दाश्त नहीं। देखो जिन्नी देर वो रहे चीफ मिनिस्टर चिंता उदों करन दी जरूरत थी जो चले गए ने, तो ग्रह उन्होंने कोल ही रहा तो उदों उन्होंने चिंता नहीं की, तो मैनूं नहीं पता कि एक महीने दे विच उन्होंने पंजाब चेटी की लगन लग पाया कि पंजाब सिक्योर नहीं है। तो मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाल ही सिक्योरिटी से जिस दिन वो चले गए नाल ही सिक्योरिटी लग गई, ये भी देखने वाली गल है कि देखांगे कि क्यों वो यह स्टेटमेंटा दे रहे हैं, तो नाल दी नाल ही उन्होंने कितने उन्होंने यहोजे तो नहीं कोई किया गया जिदे नाल सिक्योरिटी खतरे च पै गई। यदा भी देखो टेक ओवर नहीं किया जे तो अखबारों से ही गल्ला ने, मैं उस दिन गया तो मेरा ख्याल है कि BSF नालों साडी सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट सी, जो फर्स्ट लै लीए जो फर्स्ट डिफेंस लाइन है उत्थे BSF है, उत्थे ते रात नूं मेरे ख्याल DGP साहब भी साढ़े जाने इन्हों भी नहीं अलाउ करनगे, तो जे फेंसिंग के अगले भी पासे भी जाना होए मैं जाता रहिंदा उत्थे मेरे अपने पिंड ने, तो मेरा भी मोबाइल जिहड़ा वह बाहर रखवा लेंदे कि तुसीं अंदर फोटोग्राफी नहीं कर सकते, तुहाडे गनमैन नहीं जा सकते,
तो ये जड़िया सारी चीज़ा ने जो इन्ना कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान वाले पासों ड्रोन आते हैं जां कोई असला आ जाता जां हैरोइन आती है तो ये तो फिर उन्होंने वेखना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि इन्ना बॉर्डर सील करते बावजूद जे तुम एक फेंस न एक तार जिते लाइए उन्होंने नहीं कर सकते तो तुम 50 किलोमीटर अंदर आके ਕਿਹੜਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਲੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉੱਥੇ BSF ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਥਰਡ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ MLA ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬੋਲਤਾ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਬੋਲਦੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਸਰੂਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਾਊਟਫੁੱਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਟਾ ਦਿਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰੋਸਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਏਜੰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਯੂ ਆਰ ਨਾਓ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਦਬਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ISI ਸਪਾਈ ਔਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ISI ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ISI ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਈਵਨ ਪੋਰਟਲਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 4.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਡਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਬਾਅਦ 'ਚ BSF ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।